economic era that is the age of money is अर्थात आज के इस कक्षा में आप सबका स्वागत है जो आर्थिक युग को प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। किंतु इसमें बहुत समस्या थी, क्योंकि मानव एवं सभ्यता का दिनानुदिन उत्तरोत्तर विकास होते गया और लोगों की आवश्यकताएं अनंत होती चली गई, जिसके कारण ये बार्टर सिस्टम फ्लॉप कर गया और डेवलप हुआ एक मुद्रा प्रणाली, जिसके द्वारा विनिमय का माध्यम मुद्रा ही बन गया, यानी मनी। और तब से अब तक विनिमय का एक सर्वोत्तम माध्यम धन यानी मनी ही है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जो एक्सचेंज करने का माध्यम होता है वो मनी है। और यही कारण है कि रुपये का, मनी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और जब मनी की चर्चा होती है तो मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण देश की तमाम गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं, वो सभी इस मनी से ही एक्सचेंज होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तब प्रश्न आया कि इसको रखने का एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, और फिर इसके बारे में इतिहास है। भारत में 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना, किंतु बाद के कालखंड में यह अस्तित्व में नहीं रहा, यानी अस्तित्व विहीन हो गया। इसलिए इसकी चर्चा ही मात्र आज होकर रह जाती है। किंतु 1806 ईस्वी में जो कोलकाता में बैंक था, उसमें तीन बैंकों का और विलय हो गया, यानी मिलन हो गया। पहला हो गया, यानी जो अस्तित्व में है वो बैंक ऑफ कोलकाता, और ये कोलकाता वाला बैंक में बाद के कालखंड में 1921 ईस्वी में पहला हो गया। उस प्रकार से जो अस्तित्व में आज भी है उसको हम अभी क्लियर करते हैं कि 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना गया, और वही बाद के कालखंड में 1906 ईस्वी में आकर के कुछ और भी जो तत्काल बैंक सृजित हुआ, उसमें से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास और
बैंक ऑफ बॉम्बे, यानी उस समय बॉम्बे अभी इधर हाल फिलहाल से मुंबई कहलाने लगा है, पहले कोलकाता कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों का उसमें कोलकाता में जो विलय हुआ, मिलन हुआ, तो उसके बाद इसका नाम बदल गया और इंपीरियल बैंक उसका नाम पड़ा। और वही आगे चल करके 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक, 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग शॉर्ट में SBI के रूप में जानते हैं। यही इस प्रकार से भारत का सबसे पुराना बैंक है, सबसे पुराना बैंक इस रूप जो अस्तित्व में, और पुराना ही नहीं भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किंतु बैंक के जब हम टाइप पर आते हैं, उसके प्रकार पर आते हैं, तो उसको जान लेना जरूरी है। भारतवर्ष में दो ही प्रकार का बैंक होता है। आप नाना प्रकार के बैंक का नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कैनरा, पंजाब एंड सिंध बैंक, न जाने ढेर सारे, फिर कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर मगध ग्रामीण बैंक, या जितने भी प्रकार का बैंक आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बैंक की एक श्रेणी है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है बैंक भारतवर्ष में एक ही है बेसिकली, जो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, RBI के रूप में जानते हैं। और ये RBI एक अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935, क्लियर। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, और यह देश का केंद्रीय बैंक माना जाता है, सेंट्रल बैंक माना जाता है। और दूसरा जो है, जो कमर्शियल बैंक है, ये दो प्रकार का बैंक हो गया, जो भारत का अपना बैंक है और दूसरा जो है कमर्शियल बैंक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कमर्शियल बैंक का संरक्षक होता है, कमर्शियल बैंक का गार्जियन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक का गार्जियन था। कॉमर्शियल बैंक में आप जितने भी प्रकार के बैंक को देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जितने भी प्रकार के बैंक को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध, इलाहाबाद बैंक, ये जितने भी प्रकार के सारे बैंक हैं, ये कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं, जिसको हम लोग व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक के रूप में जानते हैं। ये सारे का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, ये सारे के सारे बैंक बिजनेस पर्पस से होते हैं, खुलते हैं, और जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है, इस बैंक का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है मालूम है?
मैक्सिमम प्रॉफिट। एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। किंतु इनका फंक्शन अलग है, क्योंकि इनकी गाइडलाइन, इस बैंक की गाइडलाइन पर, इस बैंक के दिशा निर्देशन में, इस बैंक के कंट्रोल में ये सारे के सारे बैंक, इसमें जितने भी प्रकार के बैंक आते हैं, ये सारे के सारे बैंक को काम करना होता है। किंतु इस बैंक का लक्ष्य अलग होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रुपये को छापना। और रुपये को जो छापा जाता है, इश्यू किया जाता है, वह है उसकी एक सीमा होती है, उसका एक आधार होता है, उसी आधार पर ये आरबीआई रुपये छापता है। ये नहीं है कि जितना मन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, धन की कमी है, रुपये की कमी है, तो चलो भाई खरबों खरबों रुपया आना, मतलब अनलिमिटेड इश्यू करते जाना, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके लिए आधार होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, देश की प्रॉपर्टी होती है, उन तमाम संसाधनों को आधार मान करके रुपये का कुछ हटने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आरबीआई का रूल, 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। और क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में जितने भी प्रकार के बैंक आते हैं, उन तमाम बैंकों का दिशा निर्देशन और गार्जियन के रूप में कार्य आरबीआई करता है, इसीलिए आरबी कॉमर्शियल बैंक के अभिभावक के रूप में आरबीआई होते हैं। और क्योंकि ये तमाम बैंकों का एक गार्जियन बैंक है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। तो बैंकों का बैंक कौन सा कहलाएगा? तो आरबीआई कहलाएगा। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, किंतु ध्यान रखेंगे आप कि बैंक जो भी दिशा निर्देश नियम निर्धारित करता है, उसका अक्षरशः पालन ये कॉमर्शियल बैंक को करना होता है। और इसके एवज में कॉमर्शियल बैंक स्टेट रिजर्व बैंक के पास एक सुरक्षित जो अनुपात में होता है, एक रेशियो में होता है, आरबीआई के पास रखता है। जब हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। आप लोग कुछ पेपर में भी पढ़ते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, समाचार में सुनते होंगे, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये तमाम बातों पर जो बेहद जरूरी है, आवश्यक है जानना, ये कॉमन प्रचलन में भी बराबर रहता है, इसलिए आप लोग को जानना चाहिए। हम आज संभव है कि मौका नहीं मिले तो इस पर भी चर्चा करेंगे, और उसका क्या उद्देश्य होता है, उन तमाम बातों को हम आप सबके बीच में रखेंगे। तो आज की कक्षा में मैं समझता हूँ इतना ही है, लेकिन आगे आप याद रखेंगे कि अगले दिन हम बैंक का कार्य क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक, तो इसको हम लोग जानेंगे। और बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो फंक्शंस के बारे में जो बताएंगे, बेसिकली ये कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आप इसको देख कर आएंगे, गृहकार्य के रूप में पढ़ कर आएंगे, और फिर अगले दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।